राजीव नयन बोले। महाराज जी का आगमन हो चुका है, उठ करके करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, वंदन करें। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। राजीव नयन बोले मधु गरीबानी राम कहानी। आप लोग अपनी जगह पर आ जाए, स्वामी जी को आने न मत कहानी। सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 शिव धनुष भंग प्रभु कर, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सिया जी को भर के, ले आए सिया जी को भर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सिया जी को भर के, घर छोड़ हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। ओ लखन सिया ने संग, लखन सिया ने संग छोड़ी राजधानी राम कहानी। सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। महापातक नाशनम सर्वोपचारार्थे कंधम च अक्षतां समर्पयामि। महाराज जी की तिलक करिए। ओम बृहस्पते आदि अधर्जो अरहाद्यु मद विभाति क्रतु मज्जने कु जद्दीदयच्छवसरत प्रजा तत ददमाशु द्रविनन्दे हि चित्रम्। ओम हंसा तो चाहत मान सरोवर हरंग राता, स्वाति की बूंद पपैया को चाहत चंद्र चकोर कन्हैया के नाता। काहू के चित्त में भैरव भवानी है, काहू के चित्त में शंकर दाता। मेरे तो चित्त में आप बसे प्रभु, आपके चित्त के आप ही ज्ञाता। मेरे तो चित्त में आप बसे प्रभु, आपके चित्त के आप ही ज्ञाता। आंजनेय होते जुन व्यथित धरा के बीच, भार भूमि हारी को स्नेह से उठाता कौन, और कौन लांग पाता भला प्रबल पयो निधि को। बंदिनी विदेह जाको धीरज बंधाता कौन, लंका को जला के मार अजित निशाचरों को, प्रियतम प्रिया का मधुर मिलन कराता कौन, और राम गुण गायक बनाता कौन। किंकर को प्रभु के प्रताप की पता काता कौन। पुर राघवेंद्र सरकार की, पुर हनुमान जी महाराज की, पुर स्वामी जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा का प्रसाद आप और हम सब लोग श्री शिवदत्त जी शर्मा दादीज एवं उनके परिवार तथा इष्ट मित्रों के सहयोग से राम कथा के छठे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। महाराज श्री के अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूं, सबसे पहले देवास से पधारे राष्ट्र कवि
शशिकांत जी यादव को करतल ध्वनि से यादव जी का स्वागत करें। और यादव जी ने लगभग 5 बार महाराज जी की कथा देवास में करवाई। आपकी तालियों में कुछ कंजूसी नजर आ रही है। पुनः मैं हृदय से स्वागत करूं मानस मंडल बांसवाड़ा से पधारे सभी भक्तजनों का। और जैसे मैं क्रम से नाम लूं, आप भी पधारें और महाराज श्री का स्वागत करें। श्री अमृतलाल जी पांचाल मानस मंडल बांसवाड़ा से पधारे हैं। महेश जी पांचाल जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस बीच में शिवदत्त जी से प्रार्थना करूंगा कि वे शुक्रताल से पधारे, प्रद्युमन दास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। महाराज जी के स्वागत के लिए फिर मैं आमंत्रित करूं श्री वीके जैन, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, पधारें। श्री कन्हैयालाल जी चौधरी चित्तौड़, सुमित जी चौधरी, राधेश्याम जी शर्मा शाहपुरा, हमारे प्रिय श्री टीसी चौधरी जी, श्री दुर्गेश जी दाधीच, विजय शंकर जी व्यास, सुरेंद्र जी जोशी उदयपुर, भंवरलाल जी शर्मा, श्री सुबोध जी कंठ, श्री कैलाश चंद्र जी शर्मा विजयनगर, श्री श्याम मनोहर जी लालोदिया शाहपुरा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, निज लोक दियो सिबरी खग को, निज लोक दियो सिबरी खग को, कपि थाप्यो सो मालूम है सब ही, ऋषि नारी उधारी कियो सठ केवट, मीत पुनीत सुकृति लही, दस शीस विरोध सभी तो विभीषण, भूप कियो जग लीक रही, करुणा निधि को भज रे तुलसी, करुणा निधि को भज रे तुलसी, रघुनाथ अनाथ के नाथ सही, गिद तरे तुमरे करते, गिद तरे तुमरे करते, ऋषि नारी तरी तुम पाम सहारे, ओ केवट पार भयो छिन्न में, भव सागर से प्रभु पार उतारे, को उतरे कर सो पग सो, को उतरे दृग नेक निहारे, और साची कहो कछु जानत हो, कितनी विधि से तुम कितने तारे, राम भजो हृदोधर के जिनके सुमिरे गणिका गति पाई, ओ गौतम नारी शिला जो तरी जिनकी प्रभु उत्तम देह बनाई, राम कहे ते तरे प्रहलाद सो, हे गढ़ लंक विभीषण पाई, ओ इतनी टेक धरो तुलसी तुम, राम भजो तुम्हें राम दोहाई, राम भजो तुम्हें राम दोहाई। दानी शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ,
बने ग्रहीता जनकपुर सीए सहित सीए हित ओढ़े हाथ मुनि अनुशासन लही सकी मुनि अनुशासन लही सकी कस लगी गठजोड़ वैदेही की चुनरी और रघुवर पीत पिछोर सब ही बंध अरु मोक्ष प्रद प्रभु समरत सिरमोर तिनके गही बांधत सकी सिय अंचल कर छोर। आप सब की ओर से महाराज जी के चरण कमलों में कोटि सत प्रणाम निवेदन करते हुए ये विचार रखता हूं कि बड़ी विडंबना हो जाती है पढ़ते पढ़ते, जो एक ही दो रूप से बने हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। उन दो रूपों की तो गांठ जोड़ी जा रही है और इस तुच्छ जीव के ये समझ में नहीं आ रहा कि जो झूठी गांठ है जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिन ही। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस तुच्छ जीव के प्रति आपकी दिव्यवाणी का प्रकाश प्रकट हो, जिससे ये जीव की जो झूठी ग्रंथि है वह अदृश्य हो जाए और जो वास्तविक संबंध भगवान से है वह जुड़ जाए। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामप मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशौर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुं त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमान साली परिपीत पराग पुञ्जं कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मनभ्रंग संगिनौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनम मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना
गुण गावौ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन, देवास मध्य प्रदेश से पधारे हुए राष्ट्र के यशस्वी कवि, राष्ट्र के गौरव, हम सबकी धरोहर के रूप में श्री शशिकांत यादव जी आज पधारे हैं। मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा की धरती के गौरव और अपनी राष्ट्रव्यापी गतिविधियों में भारत के शौर्य को अपने काव्य पाठ के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले वीर रस के सिद्ध कवि श्री योगेंद्र जी, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूं। यह सरस्वती के वरद पुत्र वाणी के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और जब आपको इनकी बात अपनी लगती है तभी आप करताली का बजाकर इनका स्वागत करते हैं। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री राम कथा के भव्य आयोजक श्री शिवदत्त जी शर्मा का भी वंदन अभिनंदन, और आप सबके प्रति भगवत भाव से सादर नमन और निवेदन। श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा से कथा का शुभारंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर चिर परिचित ध्वनि में करें। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम।
हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 बली के बल में इसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है तो और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है तो और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों यहाँ प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों यहाँ हरे रामा राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है शिवजी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिवजी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम नारद जी की वीणा पर भी बजता है सुंदर नाम हरे रामा राम राम सीता राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 रामा राम सीता राम 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 कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है हम क्या बतलाएं प्रेमी जन इससे क्या होना है जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हे रामा रामा राम सीता राम 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 रामा रामा राम रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा जय हो राम राम हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम
माइक नहीं है इनके पास। भाव अनेक राजेश कहो केही की कविता एक संग संजोती भक्तन के हित को उपजाव तो भक्ति के मंजु मनोहर मोती। मैटि विकारन को पल में कहू को कलिकाल दे तो चुनौती मानस के मल धोए वे को जो पे मानस की रसधार न होती। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम 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 कथा सुंदर करता राम कथा सुंदर करतारी। हम लोग शास्त्रीय संगीत की विधा में इसको ठुमरी के ढंग से गा रहे थे, पर हमारे सुयोग्य तबला वादक श्री बच्चूलाल जी बड़ा ख्याल बजा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई जब कथा में इतनी चीजों का समन्वय होता है तो यह भी ठुमरी और बड़ा ख्याल का समन्वय हो जाए। आज हमारी भैया सितार लेकर बैठे हैं, बहुत सुंदर योग है। राम कथा सुंदर करतारी,
भगवान की कथा सुंदर करतालिका है। दो हाथ मिलते हैं तो ताली बजती है, इसी तरह वक्ता के उत्तर, श्रोता के प्रश्न जब समाधान के रूप में मिलते हैं तो वह कथा रूपी करतालिका प्रकट होती है, जिससे तन के वृक्ष की मन रूपी शाखा पर बैठा हुआ संशय का पक्षी उड़ जाता है। ये संशय उड़ावनी हारी कथा हम लोग सुन रहे हैं। जय जयकार हो रही है श्री सीताराम जी की। जय जय सीताराम, 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 राम सीताराम। सीताराम, 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 सीताराम की मंगलमय ध्वनि हो रही है। सब लोग पुष्प वर्षा कर आनंद ले रहे हैं। लेकिन हर आदमी को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, कोई ना कोई कमी निकाले गई हो। ऐसा नहीं कि उसमें कमी हो, पर उन्होंने तो निकालनी है। एक आदमी था महाराज, हर चीज में कमी निकाले, कोई आयोजन हो कहता कैसा मैं ये कमी रह गई, उसको कमी ही दिखती थी बस। एक बार लोगों ने कहा इसके मारे बड़ी परेशानी, हमेशा कमी देखता है, इस बार इसी से पूछकर आयोजन करो। उससे पूछ के एक एक काम किया गया, आयोजन बहुत बढ़िया हुआ। फिर उससे पूछा अब कोई कमी तो नहीं रह गई, अब कमी बताता उसी की निकलती। तो बोला कमी तो कोई नहीं रही, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कमी ही ना हो। अब ये भी कमी दिख गई। श्री सीता जी से कहा गया राम जी को प्रणाम करो। श्री सिया जी को लगा कि जिनके चरण स्पर्श से शिला नारी बन गई, कहीं नारी शिला न बन जाती हो तो भगवान से वियोग हो जाएगा। इस वियोग की कल्पना से गौतम सियगति सुरति करे नहीं परसत पग पान। तो दुष्ट प्रकृति के राजा क्या बोले, हमने पहले ही कहा था कन्या के मन में कोई श्रद्धा नहीं है, वो तो धनुष तोड़ दिया तो जयमाल पहना नहीं है, फिर क्या करें। बोले हम लोग थोड़ा झगड़ा मचा दें, हो सकता है कन्या का पक्ष हमारी तरफ हो जाए। इसीलिए इन लोगों ने हल्ला मचाया, नहीं वैसे नहीं मचा रहे थे। और हल्ला में क्या कहा, ले छुड़ाई सीय कह को धरि बांधऊ नृप बालक दो दो सीता जी को छुड़ा लो, दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो।
और अगर जनक जी कुछ सहायता करें तो उन्हें भी युद्ध में जीत रो, जो विदेह जो करें सहाय जीतो समर सहित दो भाई। ये कह ही रहे थे, किया किसी ने कुछ नहीं। बगल वाले ने कहा कि कह रहे तो उठो जाके जानकी जी को छुड़ाओ तो पता लगे जा। वो क्या बोला, हम क्यों जाएंगे, तो कह क्यों रहे हो। बोले वाह इतना भी नहीं जानते, भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक। हम तो सीता जी को नहीं छुड़ा सकते। बोले फिर क्यों कह रहे हो। बोले कुछ ना हो दंगई हो जाए झगड़ा हो। बोले अगर केवल कहने ही कहने की तो हम तुमसे ज्यादा कहेंगे। अब वो महाराज दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो, जनक जी सहायता करें तो उन्हें भी। एक सज्जन सुना रहे थे, मुझे याद आ गई ये बात। एक बार एक विदेशी कुत्ता भारत में आया, विदेश से आया था, विदेशी था, कल्पना है। विदेशी कुत्ता भारत से भारत में आया तो हवाई अड्डे पे तो उतरा ही होगा। तो जैसा कि होता है समाज समाज का फर्ज है, यहां के कुत्ते स्वागत के लिए गए। अक्सर होता है स्वागत के लिए इसलिए गए क्योंकि विदेशी था, कुत्ता था। और जैसे कुत्तों की आदत होती है सबने पूंछ हिलाकर स्वागत किया और फिर उससे कहा कितने दिन रहने का कार्यक्रम है, कहां कहां जाएंगे, हम वैसी वैसी व्यवस्था करें। आपके चरणों के स्पर्श से धरती धन्य हो गई। कुत्ते के भी चरणों से धरती धन्य हो जाती अगर वो विदेशी हो तो। कहां कहां जाइएगा, हम वैसा वैसा इंतजाम करें आपको पहुंचाएं। बोला कहां कहां, हम तो यहीं रहने के लिए आए हैं, नागरिकता स्वीकार करेंगे यहीं रहेंगे। भाई यहां क्यों रहना चाहते हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि रहना चाहते हो। मन में लगा यहां तो हम ही काफी है, ये काहे को, लेकिन रहना क्यों चाहते हो। आप जिस देश से आए वहां क्या खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था नहीं है। अरे बोले क्या कहते हो, यहां से बहुत अच्छी व्यवस्था है खाने की पीने की, बहुत बढ़िया। तो फिर यहां क्यों रहना चाहते। बोले इसलिए क्योंकि भौंकने की जितनी सुविधा यहां है वहां नहीं है, इसलिए। ये भौंकने की सुविधा है, जिसके जो मन में आवे सो भौंके, करना कुछ नहीं है। सीता जी को छुड़ा लो और इनको दोनों भाइयों को पकड़ बांध लो और जनक जी सहायता करें तो उन्हें भी युद्ध में जीत लो। ये ऐसे ही बगजग मचाए कि नहीं। एक आदमी का झाड़ फूंक में नाम था, झाड़ फूंक केवल एक मंत्र जानता था, वो मंत्र। मंत्र जानना दूसरों की पीड़ा दूर करना यह तो ठीक है, लेकिन और भी काम तो करो, घर का कोई काम ना करे, बस मंत्र को याद रखे और मरीज की प्रतीक्षा करे। उसकी पत्नी ने कहा कि एक महीने बाद वर्षा आ जाएगी, कच्चा मकान है, टूटा हुआ छप्पर है, छप्पर बांध लो, छप्पर बांध लो। बोला बांध लेंगे, बांध लेंगे। दो महीने बीत गए नहीं बांधा छप्पर, बरसात हुई भर भर छप्पर। पत्नी को बड़ा क्रोध आता था कि इसने छप्पर नहीं बांधा, नहीं आज ये दुर्दशा ना होती। इतने में एक मरीज आया और हम अजब बैठ, नीम का झोंका तोड़ा पत्तों का, हरे हरे पत्तों का, और मंत्र है। उसकी पत्नी ने सुना कि जरा देखें मंत्र बोलता कौन सा है, तो कान लगा के सुनने लगी। वो मंत्र मालूम क्या बोल रहा था, ऐसे ही करती है मंत्र झाड़ी, आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छो।
तीन बार झाड़ता, दोबारा फिर बोला आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समंदर बांधू, घटका घटोई मार, घटका मसान बांधू। तीसरी बार जब बोला आकाश बांधू पात, सब पत्नी बोली रहने दे, घर का छप्पर बांधता नहीं है, आकाश पाताल बांध रहा है, सात समुद्र बांध रहा है। हम लोगों की ऐसी दशा है, घर का छप्पर बनता नहीं है, बातों आकाश पाताल। अरे तुम्हें क्या कठिनाई थी, सीता जी ने राम जी को जयमाल पहनाई, सीता जी राम जी की हैं, राम जी सीता जी के हैं, दोनों अभिन्न हैं, गिरा अर्थ जल बीज सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, तुम्हें क्या कठिनाई। लेकिन कई लोगों को सही मार्ग में वालों से भी बहुत कठिनाई होती। लक्ष्मण जी को आया गुस्सा, रूप वचन सुन इत कहीं लखन राम डर बोल न सकई। लक्ष्मण जी इधर उधर देखते, इधर उधर देखने का मतलब बगले नहीं झांकते हैं, वो इधर उधर देखते कौन बोला, पर बोलने वाला दिखे तब तो वो तो भीड़ में बोल रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा नहीं, देखा ही नहीं, क्यों? यहां दीप दीप के भूपति इकट्ठे हैं और लक्ष्मण जी को अगर इशारा कर दिया तो विश्व युद्ध हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया तो विश्व युद्ध हो जाएगा, और युद्ध की विभीषिका, उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, इसलिए हमें युद्ध को टालना चाहिए। ये राम जी का मत है, युद्ध को टालना चाहिए। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति प्रिय हैं। लेकिन लक्ष्मण जी का मत यह है कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी शांति को कोई कायरता समझे। हम शांति प्रिय हैं, कायर नहीं है। एक इन कवियों को देखकर मुझे भी कुछ कविताएं याद आ जाती हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के एक संत थे, अब नहीं रहे, बड़े अच्छे कवि थे, पवन दीवान जी, उनकी पंक्तियां हैं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर सांस हमारी गीता है। जब तक होती है शांत हृदय में, तब तक हम होते हैं केवल भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हम ही महाभारत। कोई कायरता समझे हमारी शांति प्रियता को। लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी बोले इसका यह मतलब हम युद्ध नहीं चाहते, इसका मतलब जिसके जो मन में आए सो करता रहे, जो मन में आए सो कहता रहे, और हम चुपचाप बने बैठे रहे क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते। एक बार एक महात्मा निकले घूमते हुए, तो एक गांव के बाहर से निकल रहे थे, तो बट वृक्ष था। महात्मा ने सोचा दोपहर को यहीं विश्राम करेंगे। गए गांव वाले बोले अरे बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना, बड़ा भयंकर सांप रहता है, बहुतों को काट चुका है। पर महात्मा ही ठहरे, महात्मा भी तो बड़े अद्भुत होते हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, सांप को भी समझाएंगे। चले गए और सांप दौड़ा उधर से फन फुला के। महात्मा ने कह रहे रहने दे, जाने किस कर्म से तेजी होनी में आया, शांतिपूर्वक रहे। सांप शांत हो गया, समझ गया। एक सज्जन हमसे बोले आप अद्भुत कहानी कहते, कैसे? बोले सांप समझ गया, सांप समझ गया। क्यों समझ गया सांप? तो हमने कहा इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। संत समझाएं तो सांप भी समझ जाते हैं। महात्मा ने उससे कहा आज के बाद अहिंसा, किसी को कोई चोट मत पहुंचाना, अब तुम वैष्णव हो गए हो। सांप ने भी सिर हिला दिया। अब महात्मा ने गांव के लोगों डरो मत, आओ, वो वैष्णव हो गया है, भक्त हो गया है, तुम आराम से रहो, निश्चिंत रहो, कोई तुम्हें हैरान परेशान करने वाला नहीं।
और ऐसा कह के महात्मा चले गए कि 5 दिन बाद फिर लौटेंगे। अब गांव के लोग गए तो सांप आराम से बैठा, लोग उतनी दूर बैठे रहे, वो अपना ऐसे बैठे रहे। अब बच्चे गए, सुन पत्थर मारा दूर से, जब पत्थर मारा सांप फिर भी नहीं बोला, अहिंसक हो गया था। फिर पत्थरबाजी, फिर पत्थरबाजी, सांप नहीं बोला। तब तक एक आगे बढ़ा कि पत्थर प्रहार करने से भी नहीं बोल रहा, पास गया, उसने उसकी पूंछ पर पांव रख दिया। सांप शिष्य था महात्मा का, कैसे बोलता। दूसरे ने पूंछ पकड़ के ऐसे उठा लिया, एक ने फन पकड़ लिया, अब वो ऐसे घुमा, सांप घूमे। फिर तो उन्होंने ये किया, वटवृक्ष की डाली में सांप को डालते और रस्सी की तरह और झूला झूलते, बच्चे सांप को पकड़ के झूला झूले, सांप को पकड़ के झूला झूले और झूलते झूलते जब भूख लगे तो घर चले जाएं भोजन करने, और भोजन के बाद फिर आवे फिर झूला झूले। और झूला झूल कर जब लौटे भोजन करें, और भोजन करने के बाद फिर जाएं फिर झूला झूलें। गांव वालों ने इतनी दुर्दशा कर दी, इतनी दुर्दशा, महात्मा जी 5 दिन बाद लौटे, 5 दिन बाद। अब वो चेले को ढूंढे, कहां गया भैया, अरे मेरे चेले बड़ा अहिंसक हो गया है, अब तो आ जा, मैं बहुत खुश हूं तेरे व्यवहार से, दिखाई नहीं सांप। महात्मा गए, सांप की दुर्दशा मरणासन्न पड़ा, अरे राम 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 भैया, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की, ये किस कुसंग से तुम्हारी दुर्दशा हुई है, किस कुसंग से तुम्हारी दुर्दशा हुई है। सांप कराहते हुए बोला, कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है।